Assalamualaikum दोस्तों, CPEC M14 फेज 4 पे आ गए हैं। फेज 4 और फेज 5 इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना काम हो गया और कितना काम रहते हैं। फेज 4 दोस्तों जो है, फेज 4 के अंदर दो आपको डाइवर्जन मिलेंगे जो टोटली 250 मीटर और 250-300 मीटर के मतलब इस तरह हैं। एक पहला 250 का है और दूसरा डाइवर्जन जो है वो तकरीबन 300 मीटर का है। तो इसके अलावा यहाँ से डीए खान तक रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है। डाइवर्जन के बाद ये हम एक पहला आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रोड पे है, फिर ये दूसरा डाइवर्जन आया और फिर हम अब इस पे रोड पे चढ़ाए। तो ये अभी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखें पैसेंजर गाड़ियाँ वो भी यहाँ से गुजर रही हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये फेज 3 एंडोर है, फेज 4 एंडोर है और फेज 5 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ से इस्लामाबाद तक जाएगा। ये रास्ता फिर बेहतरीन बना हुआ है जो कि आगे जा रहे हैं। लास्ट अपडेट आपको देते हैं और उसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि फेज 1, 2, 3, 4 और ये फेज 5 में आपको कितनी रुकावटें आएंगी। अगर आपने फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, फेज 1, 2, 3 और 4, 3 इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें आप बिल्कुल टॉप टू टॉप आ सकते हैं। फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ एक इसके बाद जैसे फेज 3 स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हल्की सी पहले से वो एक थोड़ी सी जगह है, एक 50 मीटर की, वो थोड़ी सी ऐसे ख़राब है, बाकी उसके अलावा टोटली ठीक है। और फेज 4 में दो डाइवर्जन हैं, एक पहला 250 मीटर का है और दूसरा उसमें जो है वो 300-350 मीटर का होगा। इसके अलावा पूरा यहाँ से आप डेरा इस्माइल खान से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक आपको बेहतरीन रोड मिलता है और आप जैसे मोटरवे पे फासला तय करते हैं उसी स्पीड से आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ये कम्प्लीट होने के करीब है और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डी खान, अगर आपने आना हो इस्लामाबाद से या डी खान से इस्लामाबाद जाना हो तो ज़रूर ये रूट ट्राई करें। ट्राई नहीं करें बल्कि इस रूट को उन्हें अपनाएं, क्योंकि बस इसका इफ्तिताह होने वाला है जल्दी, तो ये नेक्स्ट टाइम तो ये हमारा रूट होगा ही, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन हम ये 3.5 घंटे के अंदर आराम से डी खान से इस्लामाबाद आराम से पहुंच सकते हैं। बाकी तफसीली वीडियोस जो हैं फेज़ 1 की, फेज़ 2 जो इंडस ब्रिज है वो और फेज़ 3 उसकी कंप्लीट वीडियोस मेरे
جاتی ہے کہ آپ یہاں سے کیسے سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, کیا مشکلات ہیں یا نہیں ہیں. تھینک یو, اور میرا چینل ضرور آپ سبسکرائب کریں تاکہ مزید میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دکھا سکوں. تھینک یو, اللہ حافظ.